चलेगी, हमारे जिस्म पे हमारी मर्जी चलेगी, जिससे बच्चे हम चाहेंगे पैदा करेंगे, नहीं चाहेंगे नहीं पैदा करेंगे, हम चाहेंगे तो अपने शोहर के साथ ताल्लुक बनाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं बनाएंगे, हमारी मर्जी। आप क्या चाहते हैं कि रेप हो यहाँ पे लड़कियों के? लड़कियाँ जो है वो खामोशी से जुल्म बर्दाश्त करती रहे? ऐसा नहीं होगा। हम अपनी मर्जी के मालिक होंगे, हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपने फैसले। मोहतरमा मुझे अभी बोलने दीजिए। तीसरी बात, और तीसरी नहीं जी, आपने बोल लिया, मेरी बारी। तीसरी बात ये है कि अभी आपने ये फरमाया कि जी मशरूत इजाजत मिल गई, अब तो इजाजत हो जानी चाहिए और ग्रेसफुली। देखिए, इससे ज्यादा ग्रेसफुली क्या होगा कि हम पुरम तरीके से बाहर निकले, अपनी बात कहें, और दूसरी जानिब से क्या हो रहा है ये ग्रेस की आप ये देखिए, इस्लामाबाद के अंदर बच्चियों ने म्यूरल बनाया, एक तकलीकी अपनी सलाहियतों को पुरअम तरीके से इस्तेमाल में लाकर उन्होंने पेंटिंग की, और उसके अंदर कोई पहुंच बात नहीं थी, उसमें सिर्फ लड़कियां पूरे लिबास में खड़ी हुई थी। आप मुझे बताइए क्यों लाल मस्जिद के गुंडों ने जाके उसको अभी तबाह बर्बाद किया? ठीक है मालवी साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगी। खलील रहमान कमर साहब काफी सुने, पुलिस ने मोहतरमा मेरी बात सुने, हट जाओ। अभी बारी से मौका मिलेगा, आप दोनों हजरात से मेरी गुजारिश है, मैं आपके पास आपकी बारी पर वापस आऊंगी। खलील साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। गुज़श्ता कुछ प्रोग्राम्स जो आपने किए मैंने देखे, उसमें एक सबसे बड़ा एतराज जो आपको भी था वो इन नारों के ऊपर, वो जो बैनर्स और पोस्टर उठाकर, और वो जो एक ग्रेस खत्म होती हुई जिसके बारे में आप हमेशा बात करते हैं, औरत की ग्रेस को लेकर आप हमेशा बात करते हैं। तो यहाँ पर जो पिछले साल हमने औरत मार्च देखी, उसमें हमने देखा कि पोस्टर्स और बैनर्स और उस पर कुछ ऐसी नामुनासिब बातें जिस पर उन लोगों ने भी एतराज किया जो खवातीन के हकूक के हवाले से काफी बात करते हैं, तो अब ये वाली चीज तो अदालत ने इसमें से माइनस कर दी कि इस तरह की चीज आप नहीं कर सकते। तो इसके बाद अब आपको लगता है कि अगर खवातीन अपने हकूक के लिए बाहर निकलती हैं तो उसमें कोई मुजायका नहीं है, या आपको अब भी लगता है कि ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, शायद इसको हमें एक इशू बनाया जा रहा है, ये इशू है ही नहीं? अच्छा, पहले तो दोनों पैनलिस्ट जो मेरे साथ हैं उनको मेरी तरफ से बड़ा बसद एहतराम सलाम मेरा, और आप दोनों से गुजारिश है, आप जब दोनों बात कर रहे थे मैंने बीच में बात नहीं की, जब मैं बात कर रहा हूँ जल्द बीच में मत बोलिएगा ताकि पता चले तीन पढ़े लिखे लोग इस मौजू पर बात कर रहे हैं। आपके पास एक ओपिनियन था, मैंने उसको सुना, मेरे पास एक ओपिनियन है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। सवाल तो सबसे पहले ये है कि अदालत ने अगर ये मना कर दिया है तो मेरा मेरी मर्जी जैसे गरीब और घटिया नारे को मैं हाथ में दिया जाए तो मैं इस करो फर्क के साथ हमारी समस्या को बोलते हुए क्षमता को मेरा करीब मिलता है। मैं उस मुल्क का बसिंदा हूँ जहाँ बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलो, तुम तेरे जिस्म में है क्या, तेरे जिस्म में है क्या, उस पर मर्जी चलाता बोल है तेरा जिस्म है क्या बीबी, चिंता नहीं है कोई उसका जिस्म, आपके जिस पर हजार आपके जिस पर कोई चिंता नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मालवी साहब, आपकी बारी, मैं आपके पास डोंट टॉक ब्लडी नॉनसेंस, यू नो यू ब्लडी शराब, यू शराब प्लीज, हम देखिए बहुत तहजीब से बात कर रहे हैं, अमेरिका में तहसीब कर रही है की तहसीब, बदतमीजी लग रहा, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की बात न कीजिएगा, मेरा जिस्म है क्या, खुद तहरी कोई मर्द उसके ऊपर चकल देख अपनी जाते, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, बस अभी खराब कहा सलाम किया और अर्ज की कि मैंने आपकी बातें पूरे गौर से सुनी, मेरी एक बात सुनी आपने, मेरी आप मेरे साथ पैनल में जी जी करीब साहब, इनको चुप कराइए, मैं बात करना, बात करने आप अपनी बात पूरी करें, ठीक है करें आपका, मेरा मुल्क दुनिया की तरक्की पजीर ममालिक, मेरे हाथ इतने मसाइल जो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे, कुरान हाथ में हम कलमा पढ़ के देखें,
कि आज के बाद मर्द जो कमा के लाएगा उसमें गुजारा कर लेंगे। खुदा की कसम हम इनके कदमों में आंखें बिछाते हैं। ये बाहर निकलती अपने, देखिए तारीख गवाह है, औरतों ने मर्दों के हौसले बुलंद किए और उन्होंने फतूहात हासिल की, वो मैदान में वो जंग। आप बाहर निकलती अपने बच्चों को, अपने बच्चों को संभालती कि उठो इजादात करो, लोगों की बनाई हुई चीजों के ऊपर गुजारा करना बंद करो। बॉरोड इकॉनमी, बॉरोड कल्चर, बॉरोड अल्लाह माफ करे फैशन, इन चीजों से निकल कर अपनी चीजों पर प्राइड लो। लेकिन बदकिस्मती क्या है, आज मार्च हो रहा है, औरत मार्च, व्हाट इज दिस फॉर मार्च? कौन बादशाह मर्द में बार बार चीख के कह रहा है जो औरत के हुकूक का आलमबरदार नहीं है? अगर कुछ खटिया लोग हैं तो हम उनको उनसे लड़ने के लिए आपके साथ पहली सख्त में खड़े हैं। मैं हैरान हो रहा हूँ आप फरमा रही हैं कि आई एम द बेस्ट, आई एम हैप्पी। तो भाई खुदा के वास्ते, मैं तो मजहब पर बात ही नहीं कर रहा, ये तो मौलाना साहब कर रहे हैं, मैं तो मोरालिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ। अल्लाह के वास्ते ये शरी तौर पर तो छोड़िए, अखलाकी तौर पर भी इंतहाई गैर पसंदीदा बात है। अगर आपको डिवोर्स में किसी है तो शादी क्यों कर रहे हैं, हम आपको मजबूर कर रहे हैं? ये शादियाँ एक बड़े खूबसूरत बंधन थे जिन्होंने दुनिया और माशरे चलाए, और आज हम कई माशरे वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक हम ऐसी औरतों की, इन 35-36 औरतों की वजह से नहीं पहुँच पा रहे। ये कहीं का एजेंडा उठा के हमारे सामने खड़ी हो जाती है, मैं आपसे मुझे बात करने नहीं देगा। क्या जुल्म हो रहा है औरत के साथ? आप किसी मॉल पर जाइए, आप सारी वीमेन वियर्स की आउटलेट देखिए और मेन वियर की आउटलेट देखिए, सी द नंबर, सी द मनी एक्सपेंडेड ऑन बाइंग वीमेन क्लॉथ एंड सी द मनी स्पेंट ऑन बाइंग मेंस क्लॉथ, देयर विल बी हेल ऑफ डिफरेंस। तेजाब गद्दी बंद करो, क्या हर मर्द यहाँ सुबह तेजाब की बोतल लेके घर घर से निकल रहा है? आप मुझे बताइए, जहाँ जहाँ जुल्म हुआ वहाँ वहाँ क्या मर्द आप बोले नहीं? क्या वो चीख कर बाहर नहीं निकले आपके साथ? क्या वो नहीं निकलना चाहते? जी, मैं देता